मैंने शादी की रात अपनी पत्नी को करीब लिया, उतने में वो रोकर कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक घंटे बाद जब मैं कमरे में आया तो जो कुछ मैंने बेडशीट पर देखा, मेरा तो सिर चकराने लग गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। इसका मतलब आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। सुनीता को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार ही मैं उसके प्यार में पड़ गया। वो इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ ही दिनों में उनके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और वो तुरंत ही राजी हो गए, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी थी। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी और सुनीता की शादी हुई और आज वो मेरे साथ थी। ये 2 महीने मेरे लिए 2 साल जैसे थे। मुझे उससे बातें करनी थी, उसकी मीठी आवाज सुननी थी, पर बाद में खुद को ही समझा लेता कि जितना लंबा इंतजार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हो गया था, मेरा प्यार उसके लिए बढ़ते ही जा रहा था। वो 23 साल की सुंदर लड़की थी और मैं भी 25 साल का सुंदर नौजवान था। सुनीता मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसीलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता करने की जरूरत नहीं थी। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ और वो मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं यही सोचा जा रहा था कि कमरे में वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं बहुत बेकरार था। मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसके हाथ कपकपा रहे थे, वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, शायद वो शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुमसे इतना प्यार करूंगा कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था। मैं उसकी तारीफ किए जा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी नजर नहीं आ रही थी। शायद वो शर्मा रही हो, पर वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। उल्टा लग रहा था कि वो रो रही हो। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था, पर अब उसे दवाई की जरूरत थी, ऐसे घर वालों को बताने की सोची। ये सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सभी लोग सो गए थे, मैं दवाई ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही अंदर जाता, उतने में मेरे चचेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस सुनीता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए दवाई लेने जा रहा था। उतने में वो कहने लगा कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसका पति पसंद नहीं होता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की जाती है तो वो ऐसे ही बहाने बनाती हैं। उसने मुझे ये सब कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि सुनीता के पेट में दर्द हो रहा है, पर अब भाई की बातें सुनकर यही लग रहा था कि क्या सच में उसे मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों की? जहां तक मुझे पता था, उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था। अगले पल लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। इसीलिए कभी कभी लोग पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहते होंगे, और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया? आखिर पत्नी को क्या हो गया था कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई? लोग ऐसे चीजों पर बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे थे, मैंने बहुत खर्चा किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज्यादा अमीर भी नहीं थे, पर शादी के में हमने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह थी मेरी अच्छी नौकरी। ऐसी स्थिति में शादी के पहले दिन अगर मैं पत्नी को अस्पताल ले जाता हूँ या फिर डॉक्टर को घर बुला लेता तो खैर, मैं कमरे में गया, सुनीता को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। लाइट बंद करके मैं बाहर हॉल में आ गया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते कब आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। माँ की आवाज से मेरी आंख खुली। सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ तुम्हें तो पता है ना, सुबह 7 बजे कॉफी पीने की आदत है, बस कॉफी के लिए ही बाहर आया था और कब आकर सोफे पर आंख लग गई पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी के रिश्तेदारों ने तुम्हें ऐसे यहाँ देख लिया,
तो क्या सोचेंगे, इस बात को गलत रंग दे देंगे, जाओ तुम अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कोई बात का अंदाजा तो हो गया। वो सभी मुझे कुछ नहीं बोले, पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मैं चेहरे से खुश तो होने का जता रहा था, पर शायद मेरे मन की अवस्था मेरी आंखें बयां कर रही थी। माँ ने मुझे सुनीता को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो सुनीता बेड पर नहीं थी। वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी, पर सामने का दृश्य देखकर मेरे पलकें गीली हो गई थी। मैं इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफेद चादर पर लाल धब्बे थे जो मुझे कुछ अलग ही बता रहे थे। मुझे नहीं पता था, मतलब मैं जब कमरे से बाहर आया तो मेरे पीछे कोई तो कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म कर दिया हो। जब सुनीता वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उसे उन धब्बों के बारे में पूछा तो वो थोड़ी सी घबराई, मानो उसे इन सब के बारे में कुछ भी ना पता हो। तो फिर वो चादर की तरफ देखे जा रही थी और मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे इन सब के बारे में जानना है, क्या है ये सब, साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनना था कि वो घबरा गई और बोले कि तो मुझे 2 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस अभी कुछ मत पूछना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया और फिर ये दाग, मैंने प्यार के खातिर तुमसे शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया, पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम मुझे 2 महीने के बाद ही बताओगी? मैं 2 महीने नहीं रुक सकता, घर में किसी को कुछ पता ना चल जाए, इसीलिए मैं पत्नी पर गुस्से से नहीं बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात हमारे कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को बताता नहीं। मेरा गुस्सा देखकर सुनीता बहुत डर गई और रोने लगी। उसे रोता देख मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, थी तो वो मेरा पहला प्यार ही ना, पर मन में यही सवाल था कि आखिर किसने मुझसे मेरा ये हक छीन कर, ये सोचकर मैंने शादी की थी और 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। चेहरे से इतनी मासूम दिखने वाली सुनीता अंदर से इतनी बुरी होगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव था। महीने में 5-6 लड़कियों से संबंध रखकर वो चला जाता था, उनके साथ घूमता फिरता। अब वो घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। पर शक तो मुझे आशुतोष पर भी आ रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने अपनी कार की चाबी ली और निकल गया घर से। कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, दिल अंदर से टूट गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए घर लौटा। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो अपने मन का बदला स्त्रियों पर अत्याचार करके लेते हैं। माँ कहने लगी कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, सभी का खाना हो गया था और मेरी तो भूख मर गई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कि मैं बाहर से खा के आया हूँ। मैं कमरे में गया था, बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन की तो देखा पत्नी सो रही थी। खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए ब्लैंकेट हटाते ही कुछ पल के लिए मैं रुक गया, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और तकिए कुछ इस तरीके से रखे थे मानो कोई सो रहा हो। वो अब यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? वो मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर था, तब किसी की बोलने की आवाज आ रही थी। ये जानी पहचानी सी आवाज सुनीता की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज गैलरी में आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंचा था, वो मुझे और गुस्सा दिला रही थी। सुनीता शायद फोन पर किसी से तो कह रही थी कि सूरज को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें तो पता ही है ना कि कोई भी पति सहन नहीं करेगा, अगर उसे सब पता चल जाएगा तो वो मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा, और भी तो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों को वो सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया सुनीता। मैं उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आया, मुझे अब रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए
क्यों हाँ कहा, अगर तुम्हें कोई और पसंद था। तो ये सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तब वो कहने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठ लग रहा था। झूठ मत बोलो सुनीता, अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती हो। तब वो बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के लिए कौन कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर चलबुन रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसलिए मैं चुप बैठ के किनारे सो गया। समय बीतता जा रहा था और मैं ऑफिस से भी रिजाइन कर लिया था। अपने परिवार वालों के सामने मेरा उसके लिए नजरिया अच्छा था। मुझे लोगों को किसी भी तरह का मौका नहीं देना था। वो मुझे छोड़कर सभी से बातें करती थी। वो घर वालों का बहुत ख्याल करती थी, घर के सारे काम करती, लेकिन जब रात वो कमरे में आती तो कहती कि कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी पैरों में। मुझे दूर रखने के लिए ये सब कर रही थी, ये मुझे साफ नजर आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन ही मन की भावनाओं को मैंने अपने अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वो खुद चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया, 2 घंटे पहले ही चला गया था इसलिए जल्दी भी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होने कमरे में गया, देखा तो सुनीता नहीं थी। मैंने सुनीता को सब जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जो कुछ कह रहा था उसे सुन के माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी भूल गए। मैं तो माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने कहा, मैं कब ले गया सुनीता को? अरे तुमने खुद ही तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ थोड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर मैंने ही जानबूझकर कहा कि हाँ हाँ याद आया, मैंने ही तो कहा था, काम के स्ट्रेस के कारण मैं तो भूल गया था। मैं वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गया, दिल अंदर से जल रहा था। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ ये घर छोड़कर चली गई। माँ तो मेरे कमरे में ही कॉफी लेकर आ गई थी और अभी तक दोनों लौटे नहीं थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुला और वो अंदर आई। मुझे थोड़ी हैरानी और परेशानी सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। ये सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर मुझसे वो झूठ बोल रही थी। उस वजह से मेरा शक और भी होता जा रहा था। फोन और पर्स टेबल पर रखा, वॉशरूम चली गई। तभी मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी। फोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और देखा तो उसमें उस नंबर पर उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली सी दौड़ गई हो। मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर भी मुझे दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का बवंडर उभर रहा था और अब इसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि यह किसी बच्चे की माँ तो। उतने में मेरा भाई अंदर आया और उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया तुमने उनके साथ? मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे सुनीता के पास से ढकेलते हुए पीछे किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैं आज तक कभी भी इतनी ऊंची आवाज से बात नहीं की थी। उतने में माँ मेरे कमरे में आई और सुनीता को देखकर घबराई। फिर हम सब उसे अस्पताल ले गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 12 बजे सुनीता की बहन और उसका पति आए, पर उन्हें किसी ने बताया कि हम हॉस्पिटल में हैं। तब वो बोली कि थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि सुनीता अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद सुनीता को होश आया। जब मैं डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ था। उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब डॉक्टर पर भी शक होने लगा था, तब भी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। पर मैं यही सोच में था कि 2 महीने का इंतजार करूंगा और 2 महीने होते ही सुनीता को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया और हॉल में बैठकर कॉफी पी रहा था। मैंने देखा कि सुनीता तैयार होकर कहीं जा रही है। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वो आगे गई तो मैं अपनी बाइक निकाली और उसके पीछे गया। उसके ऑटो वालों को एक क्लिनिक के सामने रुकने के लिए कहा। मेरे अंदर नफरत की भावना निर्माण हो रही थी। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी। जब रिसेप्शन पर पूछा
और अपनी पत्नी का नाम बताया तो वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, ये आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाइए। वो वहीं है। रिपोर्ट देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं सीधे ही केबिन में पहुंचा। वहां मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जिसे इतना प्यार करता था, जिस पर इतना विश्वास करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। सुनीता मेरे सामने थी और बोली, अब तुम्हें तो सच पता चल ही गया होगा ना। मैं फिर भी कुछ नहीं कहा और उस रिपोर्ट को पकड़ाई। आगे वो कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। मैं जब 12 साल की थी तब माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बहन, बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मैं 15 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ और जब आते तो रुकते ही नहीं। डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 21 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैं इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा अभी दुनिया में नहीं है, भैया भाभी के लिए तू बहुत श्राप बन गई है, क्या पता आगे जाकर कैसे आदमी से तेरी शादी करवा दे। तू खुशकिस्मत है कि सूरज ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैं शादी के बारे में बताई तो उन्होंने कहा कि 2 महीने का और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयां का कोर्स पूरा करो और 2 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई, और इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट्स आई और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो आज मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहूँ। मैं अपनी पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर भी शक किया, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैंने सुनीता से माफी मांगी और सारी गलत फहमियां दूर कर हम अपने घर चल दिए। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सिर्फ गलत फहमियों के दम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा विश्वास और थोड़ी समझदारी दिखाएं तो रिश्ता इस तरह से उलझेंगे नहीं। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।